नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों में आ गई है दरार? दो हफ्तों से महाराष्ट्र सरकार के दो बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। इन रिपोर्ट्स की माने तो राज्य की बीजेपी शिवसेना सरकार के दो शीर्ष नेता और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच अनबन हो गई है और दोनों नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हुए नहीं दिखे जा रहे हैं। फडणवीस एकनाथ शिंदे से नाराज चल रहे हैं, इसलिए लगातार दूसरे दिन सीएम शिंदे के साथ मंच साझा करने से बातचीत बसते नजर आ रहे हैं। मुंबई में बुधवार को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम का 75वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। निमंत्रण पत्रिका पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस का नाम छपा है, लेकिन उनका यहां आने का कोई भी जिक्र नहीं है। क्या एकनाथ शिंदे का विज्ञापन एक वजह है? मंगलवार को शिवसेना ने राज्य के समाचार पत्रों में विवादित विज्ञापन छपवाया था, जिसमें शिंदे ने लिखा था कि देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे। इस विज्ञापन के छपने के बाद से कोल्हापुर में आयोजित एक प्रोग्राम से फडणवीस ने दूरी बनाई थी। उनके दफ्तर से बताया गया कि उनके कान की तकलीफ होने की वजह से कोल्हापुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी सीएम शिंदे के साथ मंच साझा न करने का क्या मतलब है, इसके इस बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे सके। मंगलवार को छपे विज्ञापन की एक विवादित बात और सामने आई है, जिसमें शिंदे को राज्य में फडणवीस से ज्यादा पॉपुलर बताया गया है। विज्ञापन में एक सर्वे सामने आया है, सर्वे में छपा जिसमें राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। जानकारों की माने तो विवाद की यह बड़ी वजह हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे गठबंधन धर्म मत सिखाओ, अपने खिलाफ अन्ना द्रमुक के प्रस्ताव पर बोले के अन्ना मलाई। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के अन्ना मलाई ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर अत्यप्रक्ष कटाक्ष को लेकर उनके खिलाफ प्रस्ताव का जवाब दिया है। उन्होंने AIDMDMK से उनके गठबंधन धर्म नहीं सिखाने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मैं गठबंधन धर्म को समझता हूँ, किसी को मुझे यह सिखाने की जरूरत नहीं। गठबंधन पार्टी के नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? अन्ना मलाई ने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के साथ एक साक्षात्कार में पौरुष रूप से दिवंगत IMDKMK सुप्रीमो जयललिता की खिंचाई की थी। उन्होंने कहा कि वे सरकारी खजाने को ठगने वाली किसी भी सरकार से सवाल करेंगे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में कई प्रशासन भ्रष्ट थे, पूर्व मुख्यमंत्रियों को कानून की अदालतों में दोषी ठहराया गया है, यही कारण है कि तमिलनाडु सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक बन गया है। मैं कहूँगा कि यह भ्रष्टाचार में नंबर 1। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में ताजा हिंसा, 9 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। मणिपुर में पूर्वी इंफाल के खमेनलोक इलाके में बुधवार सुबह ताजा हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 अन्य घायल हो गए हैं। पूर्वी इंफाल में SP शिवकांत सिंह ने कहा कि मारे गए लोगों के शव कब्जे में ले गए हैं, पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। ताजा हिंसा घटना केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ये मानकर चल रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री की मणिपुर यात्रा के बाद सभी चीजें ठीक हो रही है, लेकिन पुलिस ने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने इंफाल पूर्वी जिले कांगपोकी जिले की सीमा से लेकर खोमे लोक क्षेत्र की ग्रामीणों को घेर लिया है और रात करीब 1 बजे हमला किया। पुलिस के मुताबिक घायलों को इंफाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा की घटना जहां हुई है वो क्षेत्र मेती बहुल इंफाल पूर्वी जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकी जिले की सीमाओं पर स्थित है। इससे पहले सोमवार रात खमेनलोक इलाके में आतंकवादी और ग्रामीण सेवकों के बीच हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए थे। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक
और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.msnewsstreet.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MS News Stream पर। नमस्कार।